नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आप सबकी आरजे श्वेता। आज रेडियो कहानी में मैं लेके आई हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है आप कैमरे की नजर में हैं, ईश्वर देख रहा है। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज ही हमारी गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहेब बनाया। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ, चाय तैयार है, चल आ जा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया कि मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो उन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर के बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने ही कैसे कहता, तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज, मैं कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों पे थपकी से उठ, गहरी नींद थी, कब तक सोएगा, जाग जाग। माँ की आवाज थी, सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जाग गया, अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम मेरी नजर में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। जब तक हम निराकार सर्वोपरि ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं और नास्तिक बने रहेंगे तब तक हमें किसी का भय नहीं होगा और हम निर्भयता के साथ कोई भी भ्रष्टाचार या अनैतिक कार्य कर डालेंगे। यही कारण है कि हम मनुष्यों ने ईश्वर को नकार दिया है और निरंकुशता से अनैतिक भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। वास्तव में यह हमारी अज्ञानता है, हम निरंकुश हैं,
क्योंकि यह सृष्टि अपने आप को बिना किसी प्रयोजन के नहीं बनी है। विज्ञान का नियम है कि बिना कर्ता के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो ये है आज की सीख भरी कहानी रेडियो हिंदुस्तान पर।